आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हुआ जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव का नामांकन। भाजपा प्रत्याशी के अलावा किसी ने भी नहीं किया नामांकन। साधना सिंह की निर्विरोध जीत पक्की। कहा, पिछले कार्यकाल के अधूरे कार्यों को किया जाएगा पूरा, जिले का होगा विकास। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने की बड़ी कार्रवाई। 11 जिला अध्यक्षों को हटाया, इनमें गोरखपुर के जिला अध्यक्ष भी हैं शामिल। प्रदेश अध्यक्ष ने जारी किया पत्र, हटाने का कारण स्पष्ट नहीं। खोराबाड़ थाना क्षेत्र के रामनगर करजहा में पैसों के लेन देन को लेकर बदमाशों ने युवक को मारी गोली, हालत गंभीर। कोरोना की संभावित तीसरी लहर पर जिलाधिकारी के विजय पांडियन ने कहा, संभावित तीसरी लहर से निपटने की तैयारियां हैं पूरी। जनपद के 36% नागरिकों का किया जा चुका है टीकाकरण। 1 जुलाई से प्रतिदिन 50,000 टीकाकरण का रखा गया है लक्ष्य। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन ने कहा, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी साधना सिंह ही जीतेंगी चुनाव, जिले का होगा विकास। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई नवीन एकीकृत मंडल स्तरीय कार्यालय के निर्माण संबंधित बैठक। निर्माण कार्यों और तकनीकी पर हुई चर्चा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। गोरखपुर में शनिवार को मिला मात्र 1 नया कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 59,265। अब तक 842 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान। 71 हुए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। जनपद के नदियों के बढ़ते जलस्तर के मद्देनजर सदर सांसद रवि किशन लेंगे बाढ़ की स्थिति का जायजा। कहा, पहले की तुलना में बंधों की स्थिति है बेहतर। कोविड टीकाकरण अभियान के तहत शनिवार को 14,111 लोगों को किया गया कोविड का वैक्सीनेशन। लोगों में बढ़ रहा है टीका लगवाने का उत्साह। शनिवार को महानगर में देखने को मिला साप्ताहिक बंदी का छिटपुट असर। बंद रही दुकानें, लेकिन सड़कों पर साप्ताहिक बंदी का नहीं दिखा असर। और जिले की नदियों के बढ़ते जलस्तर पर जिलाधिकारी के विजय पांडियन ने कहा, बाढ़ चौकियों को किया गया है अलर्ट। नदियों के किनारे बसे लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की जा रही है व्यवस्था।